एक बार की बात है, जॉन नाम का शेयर मार्केट ट्रेडर था। जॉन अक्सर व्यापार के सिलसिले में यात्रा किया करता था। एक दिन की बात है, जॉन एक शहर में आया था। वहां वो 3-4 दिन रहने वाला था। रोज सुबह जॉन मॉर्निंग वॉक पे निकलता था। मुझे एक टाइम्स न्यूज़पेपर दे दीजिए। ये लीजिए सर। जॉन ने उस न्यूज़पेपर वाले को 100 रुपए का नोट दिया। मेरे पास छुट्टे नहीं है सर। मेरे पास भी नहीं है। कोई बात नहीं सर, आप पेपर ले लीजिए, अगले बार दे देना पैसा। ठीक है। अगले दिन जॉन वापस वॉक पर निकला और फिर वापस न्यूज़पेपर वाले के पास आया। आज भी जॉन के पास 100 रुपए का ही नोट था। कल दीजिए सर। तीसरे दिन भी जॉन के पास छुट्टा नहीं था। आज भी वो बिना पैसे दिए पेपर लेकर चला गया और शाम को जॉन ने बस पकड़ी और अपने घर की ओर वापस चल पड़ा। उसे याद ही नहीं था कि उसे किसी के पैसे चुकाने हैं। इस बात को 20 साल बीत गए। वो पेपर वाला बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वो आज भी वही पेपर बेचता था। जॉन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जिसकी अब तस्वीर न्यूज़पेपर में छपने लगी थी। एक दिन न्यूज़पेपर वाले बूढ़े ने जॉन की तस्वीर देखी और उसे वो 20 साल पहले की घटना याद आ गई। और एकाएक जॉन भी फिर उसी शहर से गुजर रहा था, लेकिन इस बार जॉन के पास अपनी आलीशान गाड़ी थी। उसे वो पेपर वाले की बात याद आई। अब जब मैं इस शहर से गुजर ही रहा हूँ, तो उस पेपर वाले का हिसाब भी चुकता कर देता हूँ। ड्राइवर, गाड़ी क्रॉस रोड की ओर ले लो। जॉन क्रॉस रोड पर उतरा और पेपर वाले की ओर बढ़ने लगा। हेलो। हेलो सर, आपने मुझे पहचाना? जी सर, आपको कौन नहीं जानता। आपकी तस्वीर आए दिन न्यूज़पेपर में छपती है। मैं आपसे पहले भी मिला हूँ और उस वक्त लगातार 3 दिन तक मैंने आपको न्यूज़पेपर के पैसे नहीं दिए थे। याद है सर, आपके पास छुट्टा नहीं था। हाँ, पर अब मैं बहुत अमीर बन चुका हूँ। अब तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। आप उस वक्त भी मेरे पेपर के पैसे दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिए। वो मैं यहाँ से चला गया था और भूल गया था। नहीं सर, आपको आज तक याद था। उस वक्त आपकी देने की नियत नहीं थी, लेकिन आज मैं तुम्हारा हिसाब चुकता करना चाहता हूँ। अब उन पैसों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। जॉन ने बहुत कोशिश की कि वो बूढ़े इंसान को मना सके पैसे लेने के लिए, लेकिन वो बूढ़ा इंसान टस का मस ना हुआ। जॉन की सारी रहीसी अब धरी की धरी रह गई थी, क्योंकि वो बूढ़ा न्यूज़पेपर वाला टस का मस ना हुआ। माखन की एक पाव भाजी की गाड़ी थी, जहां गांव के सभी लोग पाव भाजी खाने आया करते थे। माखन भैया, एक मस्त मक्खन पाव भाजी बना दो। अभी लो भैया। वाह वाह भैया, आपके हाथों में तो जादू है। इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी कैसे बना लेते हैं? बस ऊपर वाले की कृपा है। माखन के ग्राहकों को उसकी पाव भाजी बहुत पसंद थी। इस पाव भाजी को बनाने के लिए माखन रोज सवेरे उठकर सब्जी मंडी पहुंच जाया करता था और सबसे अच्छी सब्जियां खरीदता था। फिर वो दूध की डेयरी जाकर मक्खन खरीदता था। इन अच्छी चीजों से बनी हुई पाव भाजी बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक थी। माखन अपनी पाव भाजी
30 रुपए में बेचता था और ग्राहक भी इसे बड़े चाव से खाते थे। लेकिन फिर माखन की गाड़ी के बगल में एक वड़ा पाव की गाड़ी खुली। माखन भैया, आपकी पाव भाजी तो बहुत स्वादिष्ट है। ऊपर वाले की कृपा है। अक्सर माखन और गिरधर बातें करते थे। एक दिन की बात है। भैया, आपको उस रात के बाजार के बारे में पता चला क्या, जहां सब्जियां बहुत ही सस्ती मिलती हैं? रात का बाजार? जो सब्जियां दिन भर बच जाती हैं, उसे रात में सस्ते में बेचते हैं। लेकिन वो तो इतनी अच्छी नहीं होंगी ना? अच्छी बुरी से हमें क्या करना है, इससे हमारा मुनाफा ही होगा और ग्राहकों को स्वाद का फर्क भी नहीं समझ आएगा। वो तो ठीक है, चलिए आज रात को चलते हैं। गिरधर और माखन रात को सब्जियों के बाजार में पहुंचे। वहां माखन ने आधे दामों पर सब्जियां खरीदी। ये सब तो आधे दामों पर मिली। देखा, मैं ना कहता था कि हमारा मुनाफा होगा। अगले दिन माखन ने इन सब्जियों से पाव भाजी बनाई। वाह भैया, बहुत बढ़िया। माखन खुश था कि उसके ग्राहकों को कुछ फर्क समझ में नहीं आ रहा था। माखन ने ज्यादा मुनाफे के लालच में वही सब्जियां खरीदी और पाव भाजी बेचता रहा। लेकिन उसकी ये खुशी बहुत छोटी थी। एक दिन एक औरत रोते हुए माखन की दुकान पर आई। तुम्हारी वजह से मेरे पति अस्पताल में है। मैंने क्या किया? क्या किया? वो तुम्हारे ठेले से रोज पाव भाजी खाते थे। तो उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई और डॉक्टर बोल रहे हैं कि पाव भाजी की वजह से हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सुनते ही उसके ग्राहकों ने पाव भाजी की थाली नीचे रख दी। अरे मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। माखन बहुत बोलता रहा पर किसी ग्राहक ने उसकी एक ना मानी। सब चले गए। उसके बाद गांव का कोई भी व्यक्ति माखन की पाव भाजी नहीं खाता था। एक बार की बात है, जॉन नाम का शेयर मार्केट ट्रेडर था। जॉन अक्सर व्यापार के सिलसिले में यात्रा किया करता था। एक दिन की बात है, जॉन एक शहर में आया था। वहां वो 3-4 दिन रहने वाला था। रोज सुबह जॉन मॉर्निंग वॉक पे निकलता था। मुझे एक टाइम्स न्यूज़पेपर दे दीजिए। ये लीजिए सर। जॉन ने उस न्यूज़पेपर वाले को 100 रुपए का नोट दिया। मेरे पास छुट्टे नहीं है सर। मेरे पास भी नहीं है। कोई बात नहीं सर, आप पेपर ले लीजिए, अगले बार दे देना पैसा। ठीक है। अगले दिन जॉन वापस वॉक पर निकला और फिर वापस न्यूज़पेपर वाले के पास आया। आज भी जॉन के पास 100 रुपए का ही नोट था। कल दीजिए सर। तीसरे दिन भी जॉन के पास छुट्टा नहीं था। आज भी वो बिना पैसे दिए पेपर लेकर चला गया और शाम को जॉन ने बस पकड़ी और अपने घर की ओर वापस चल पड़ा। उसे याद ही नहीं था कि उसे किसी के पैसे चुकाने हैं। इस बात को 20 साल बीत गए। वो पेपर वाला बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वो आज भी वही पेपर बेचता था। जॉन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जिसकी अब तस्वीर न्यूज़पेपर में छपने लगी थी। एक दिन न्यूज़पेपर वाले बूढ़े ने जॉन की तस्वीर देखी
और उसे वो 20 साल पहले की घटना याद आ गई। और एकाएक जॉन भी फिर उसी शहर से गुजर रहा था, लेकिन इस बार जॉन के पास अपनी आलीशान गाड़ी थी। उसे वो पेपर वाले की बात याद आई। अब जब मैं इस शहर से गुजर ही रहा हूँ तो उस पेपर वाले का हिसाब भी चुकता कर देता हूँ। ड्राइवर, गाड़ी क्रॉस रोड की ओर ले लो। जॉन क्रॉस रोड पर उतरा और पेपर वाले की ओर बढ़ने लगा। हेलो। हेलो सर, आपने मुझे पहचाना? जी सर, आपको कौन नहीं जानता। आपकी तस्वीर आए दिन न्यूज़पेपर में छपती है। मैं आपसे पहले भी मिला हूँ और उस वक्त लगातार 3 दिन तक मैंने आपको न्यूज़पेपर के पैसे नहीं दिए थे। याद है सर, आपके पास छुट्टा नहीं था। हाँ, पर अब मैं बहुत अमीर बन चुका हूँ। अब तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। आप उस वक्त भी मेरे पेपर के पैसे दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिए। वो मैं यहाँ से चला गया था और भूल गया था। नहीं सर, आपको आज तक याद था। उस वक्त आपकी देने की नियत नहीं थी, लेकिन आज मैं तुम्हारा हिसाब चुकता करना चाहता हूँ। अब उन पैसों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। जॉन ने बहुत कोशिश की कि वो बूढ़े इंसान को मना सके पैसे लेने के लिए, लेकिन वो बूढ़ा इंसान टस का मस्त ना हुआ। जॉन की सारी रहीसी अब धरी की धरी रह गई थी, क्योंकि वो बूढ़ा न्यूज़पेपर वाला टस का मस्त ना हुआ।